मानव घर पर पहुँचाई जा रही है। हम एक कदम आगे बढ़कर बहुत जल्दी उसको मोबाइल पर देने वाले हैं, ताकि कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें बांटने की जरूरत नहीं। जो मालिक है वो देख सकेगा अपने कचरे का तो नहीं निकल, और जब चाहे उसका प्रिंट निकालवा सके। ये एक बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं। सीमांकन की भी बड़ी समस्या और ट्रेनिंग मांग रहे हैं, और इसलिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को भी हम एक्ट कर रहे हैं, और उनके थ्रू भी हमारे अफसर अपनी देख रेख में भी सीमांकन करा सकें, जिससे मशीन की कमी की समस्या नहीं रहेगी, मैन पावर की समस्या नहीं रहेगी। और दूसरा, हम प्राइवेट लोगों को भी लाइसेंस देंगे, और जहाँ कोई विवाद नहीं है, अविवादित सीमांकन है, वो अगर करके लाएंगे तहसीलदार को देंगे, और कोई आपत्ति नहीं आती है, तो सीमांकन को हम वैध कर सकते हैं। ये व्यवस्था हम लगातार कर रहे हैं। पटवारियों की कोई प्रमोशन की चैनल नहीं है, परीक्षा देकर ही वो नायक तहसीलदार बन सकते हैं। हम उस चैनल को शुरू कर रहे हैं। अब सीनियरिटी और सीआर के हिसाब से पटवारियों को प्रमोशन भी देंगे। महिला पटवारियों की एक समस्या थी कि पटवारी का कैडर हमारा जिले का है, विशेषकर वो बेटियां जो शादी के पहले सर्विस में आ गई हैं, उसके बाद उनकी शादी हो गई है और उनका कैडर नहीं बदल पाता था। हम उनके कैडर बदलने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। ऐसी बेटी जिसकी शादी सर्विस में आने के बाद हुई है, उनका कैडर हम यथासंभव जहाँ वो चाहेंगे सर्विस में एक बार उसको बदल देंगे। ये भी नए काम हमने कुछ किए हैं। आप जानते हैं कि गुरुराजद संहिता 1959, इसमें अनेक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, विसंगतियाँ आ गई हैं, परिस्थितियाँ बदली हैं, और इसमें भी परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए भूमि सुधार आयोग की अध्यक्षता में एक कमेटी हमने वरिष्ठ अधिकारियों की बनाई है, जिसकी रिपोर्ट अंतिम चरण में है, और उसमें भी नियमों को सरल करने की व्यवस्था हम करते जा रहे हैं। इससे अनेक कदम हमने उठाए। तो आईडी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, हमारी कोशिश है कि कम से कम दो प्रमोशन उसको मिले, आरआई और नायब तहसीलदार तक वो पहुंचे इस व्यवस्था को। आईटी के लिए भी आप जानते हैं कि लगातार हम क्षेत्र में अग्रणी है, कई प्रदेश देश में अग्रणी है। पेपरलेस काम की ओर सरकार के काम को ले जा रहे हैं, और इसलिए मंत्रालय से उसकी शुरुआत हो रही है। ये कैबिनेट शुरू होने वाली है, कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी है, और धीरे धीरे सारे जिलों को संभाग को कनेक्ट करेंगे, कि फाइलों को जाने आने के समय, उठने का समय, कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसके पास कितने दिन फाइल पड़ी है, इस सबसे मिलेगी और काम में एक पारदर्शिता आएगी। सुशासन के क्षेत्र में मुझे लगता है कि इस व्यवस्था से एकदम बदलाव आएगा। जबलपुर में एक साइंस सेंटर हम बोल रहे हैं, उसकी जमीन आवंटित होगी और काम शुरू होगा। साइंस सेंटर में किस तरह की जिस प्रकार साइंस का ही प्रचार प्रसार, साइंस के प्रति जानकारी अभी एक ही सेंटर भोपाल में हमारे पास है, एक सेंटर हम जोड़ देंगे। 1500 से अधिक 133 तहसीलें हैं, वो सूखा प्रभावित आजकल नाम से केंद्र सरकार का, उसमें 133 सूखा प्रभावित 133 तहसील हुई है, उनके लिए करीब 1500 करोड़ से अधिक राशि हम जिलों को भेज चुके हैं, और लगभग 300-350 करोड़ से ज्यादा राशि वितरित हो चुकी है। इसे एक महीने के अंदर वितरित करते हैं। नए तहसील और SDO के कार्यालय घोषित हैं वर्षों से, इनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, और इसलिए ऐसे हमने सब इकट्ठे किए हैं। जो 75 ऐसे जो कार्यालय अभी चल रहे हैं, उनको अधिकृत करने के लिए मंत्री परिषद को। थैंक यू सर।